सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बादाम के बारे में, यानी आलमंड्स, जो कि आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी खाए ज़रूर होंगे और सुना भी बहुत है उनकी बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप आलमंड्स को किस वे में खाइए ताकि आपको उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मिले, और आलमंड्स खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, हमें आलमंड्स कितने खाने चाहिए एक दिन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक दिन में आपको 3 से 4 बादाम का ही सेवन करना चाहिए, जो कि आपके लिए पर्याप्त मात्रा होती है। 3 से 4 बादाम का सेवन करने पे आपको 7.4 mg ऑफ विटामिन ई मिल जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर आप 3 या 4 से ज्यादा बादाम का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन ई का ओवरडोज हो सकता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। 3 से 4 बादाम के अंदर 168 कैलोरीज और 14 ग्राम ऑफ फैट्स मिल जाती है आपको, जो कि आपके लिए अगेन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होती है। बादाम में मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट पाया जाता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बादाम खाना बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट में रोल प्ले करता है। बादाम होता है उसके छिलके में एक टैनिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। ये जो टैनिन कंपाउंड है ये वाटर सोल्युबल पॉलीफिनोल होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि आपका जो फीड इनटेक है उसको डिक्रीज करना, आपकी जो मेटाबोलाइजेशन एनर्जी है उसको भी ये डिक्रीज करता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि बादाम को छील के खाया जाना चाहिए ताकि आपके अंदर ये साइड इफेक्ट्स ना हो पाए, बादाम की जो विटामिन है वो आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रखिएगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए।